अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमैरा शिराज। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स सब्ज़ी की। तो मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, ये मिक्स सब्ज़ी है, इसको सबसे पहले वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद ये टोकरी में रखना है ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। उसके बाद ये कटिंग करनी है। एक शिमला मिर्च मैंने ली है, एक अदद प्याज लिया है नॉर्मल साइज़ का, दो टमाटर, थोड़े से मटर और दो अदद आलू, जिंजर गार्लिक भी ली है, एक एक छोटी इनकी फांके काट के ले ली हैं मैंने, और साथ में एक कप मटर लिया है, और हाफ़ जो है वो मैंने गोभी ली है और इसको अच्छे से कटिंग कर ली है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद दो अदद ग्रीन चिलीज़ भी मैंने इसमें ऐड की हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कटिंग कर लेनी है, और फिर कटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। ये देखें जी, ये गोभी भी थोड़ी छोटे छोटे फूल इसके कटिंग कर लेने हैं, और ये सारी चीज़ें कट करके ये देखें जी, अदरक मैं इसको भी छील रही हूँ और इसको भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, रेडी हो गई हैं ये हमारी सारी चीज़ें। लहसुन को भी छील लिया है मैंने, चलें ये अभी दूसरी तरफ हम चलते हैं। एक कढ़ाई में चार टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और इसमें मैंने जो बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक है उसको डाल दिया है ताकि ये हल्का सा फ्राई हो जाए। उसके साथ मैंने बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड की है। प्याज जो है हल्की सी लाइट ब्राउन होनी है, ज़्यादा नहीं, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। और साथ में इसके टमाटर ऐड कर दिए जो मैंने कट करके रखे हुए थे, और गोभी के फूल छोटे छोटे जो मैंने सारी मिक्स सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी वो साथ साथ ऐड करनी है। आलू भी मैंने दो अदद ऐड कर दिए हैं इसमें, और साथ साथ इसको हिलाते जाना है। शिमला मिर्च ऐड की है, मटर ऐड किए हैं, और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ड्राई पेपर्स इसमें ऐड करने हैं, रेड चिली पाउडर एक चम्मच, और ज़ीरा पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच, सब्ज़ी का मिक्स मसाला एक चम्मच, और नमक हसबे ज़ायका। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पानी जो है इसमें मैंने आधा कप डाल के इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। अभी ये देखें जी, 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, और अभी मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये देखें मज़ेदार रेसिपी तैयार है हमारी मिक्स सब्ज़ी की। आई होप आप लोगों ने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। Thanks for watching. Allah Hafiz.